उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दुल्हन के द्वारा शादी के 3 दिन बाद ही पति के घर पर हाथ साफ करके 2 लाख की नकदी गहने लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। इसके बाद शादी के घर में 3 दिन बाद ही खुशियां का घर मातम में बदल गया। परिवार वालों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। आपको बता दें कि अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव करनपुर माफी के रहने वाले कोमल सिंह की शादी उसके एक रिश्तेदार के माध्यम से गांव के मलुआ ने 70,000 रुपए में करवाई। मलुआ ने बताया कि यह लड़की निशा बनारस की रहने वाली है और उसका एक रिश्तेदार भी इस शादी के समारोह में शामिल हुआ। शादी के बाद निशा का रिश्तेदार और मलुआ शादी के लिए तैयार हुई, रकम 70,000 लेकर आ गए, जबकि लुटेरी दुल्हन जिसका नाम निशा बताया जा रहा है वह अपने ससुराल करनपुर माफी गांव चली गई। बता दें कि शादी 16 जुलाई को हुई थी और शादी के 2 दिन बाद ही 18 जुलाई की रात को लुटेरी दुल्हन जिसका तथा कथित नाम निशा है वह अपने पति कोमल सिंह के घर पर हाथ साफ करके 2 लाख रुपए की नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया और शादी के घर में खुशियां गम में बदल गई। उसके बाद रिश्तेदारों ने शादी कराने के लिए बिचौलियों के रूप में भूमिका अदा करने वाले मलुआ को पकड़ा, लेकिन वह भी मौके से चकमा देकर फरार हो गया। इस पूरे मामले में इन सभी लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और हसनपुर कोतवाली पुलिस से पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। लड़की की शादी करा दी हमारे साथ में 16 तारीख में उसे जो हम ब्याह करके अपने घर लिया शादी कर कर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार। उसके बाद में वो जो है 19 तारीख की सुबह को यहाँ से जो फरार हो गई, वही लोग उसे निकाल कर लेकर गए यहाँ से। जैसे कि मतलब वो मेरे फ़ोन से बात करती रहती थी उनसे, 19 तारीख की सुबह को यहाँ से निकल गई। और इसकी जाँच जो है हमने 19 तारीख की जो दोपहर से जो जाकर के कोतवाली में तहरीर दी, उसकी जो क्या कहें अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमें आप बता दें, नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? करनपुर माफी। अच्छा, ये जो महिला फरार हुई है क्या है पूरा मामला? जी हमारे रिश्तेदार थे दाऊदपुर के रहने वाले, हमारे बहनोई हैं वहाँ पे दाऊदपुर में, तो उनसे हमने क्या रखी थी, हमारे भाई की शादी नहीं हो पा रही थी कहीं से, तो हमने उनसे बोल रखा था कि कहीं से अगर हमारे भाई की शादी हो जाए तो उसको करा देना। तो उन्होंने कोई हमसे फ़ोन करके बताया कि हाँ ऐसे ऐसे एक मौका है, उसको आप देख सकते हो आकर। तो एक जद्दे का मलुआ है, उनका मौसेरा भाई दाऊदपुर वालों का, तो उन्होंने वो यहाँ जब दाऊदपुर आए वो, तो उन्होंने हमें लड़की दिखाई। लड़की दिखाने के बाद में उनसे साइड मैरिज होकर बोले उनकी बताओ कैसे कैसे मामला है। तो उन्होंने बताया कि कितने रुपये जाएंगे तुम्हारे, और 70,000 इतने खर्च होकर जब तुम्हें लड़की बहू मिल जाएगी। तो हमने उनको पैसा दिया, और देने के बाद में जब उनको पैसा दे दिया तो उन्होंने शादी दाऊदपुर में ही फेरे उरे फिरवा के हमको साथ कर दी लड़की बहू रात को। जब उन्होंने बहू हमारे साथ कर दी तो हम अपने घर पर आए। घर पर आने के बाद में जब घर पर आए तो अपने घर आकर हम रुके, अपने सारी बात वो चले गए हम तैयार कर ले मलुआ और संजय, जो संजय बताया था बनारस का रहने वाला, वो 70,000 रुपये लेके यहाँ पर चले गए हमसे। अब उस बीच में 18 की रात को हमें क्या पता था ऐसा होने वाला, अगर इस बात का पता होता तो हम आप इस काम को करवाते क्यों। तो 18 की रात को यहाँ से निकल गई, जो घर पर जेवरात और चीज़ें थी वो पैसा नहीं था हमारा कुछ सब वो सबको ले गई। अब उस बीच में जो था हम जो जब्दा पहुँचे मलबे के पास में, तो घर पर ही मलबा मिला हमको, तो हमने मलबे से बात करी। मलबे बोला गए मैं तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन ऐसा नहीं होने देने का। मन का जी जब तुम बीच में पड़े हुए हो और बनारस का तुम बता रहे हो कि मेरा मिलने वाला, मेरा घर बार सब देखा हुआ है, तो मन की आप बताओ कैसे नहीं। तो हम मलबे को गजरोला लेकर आए, तो वहाँ पर जहाँ वो कमरा बताया था गजरोला होटल में, तो उसकी जो आईडी देखी वहाँ पर उसका नाम अजय था। तो हमने उससे मलबा कही हमारे घर को चल, वो हमारे घर पर नहीं आ पाया, बीच में से ही वो चला गया हमको छोड़ गया। हम जो अपने टाइम घर पर आए। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान माना जा रहा है? जी करीबन बैठेगा 2 लाख का था। क्या मांग है आप लोगों की? सब हमें हमारे जो गया हुआ वो मिल जाए, और किसी घर में अन्याय काम नहीं होना चाहिए ऐसा, और क्या क्या थाने आपने सूचना दी है इसकी?
जी अब जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.